माँ भारती का अंश हो, माँ भारती का आकार ले लो और ध्वज वही तिरंगा प्यारा अपने हाथ में उठा लो। वो ध्वज प्यारा तिरंगा आपका और मेरा, वो ध्वज प्यारा तिरंगा, वो मणिपुर की बेटी का, पहलवान बेटी का, अंकिता भंडारी का और तमाम बेरोजगार बेटियों का जिन पर इस सरकार ने डंडे भी बरसाए हैं, समाज में जिनके साथ गलत हुआ है, उत्पीड़न हुआ है, वो बेटियां जिनको नग्न अवस्था में सड़कों पर घुमाया गया भीड़ के द्वारा और उनके स्तनों को खींचा गया, उनकी योनि में हाथ डाला गया, वो रूप है आपका और मेरा। इसीलिए अपने लिए न्याय मांगने के लिए, अपना न्याय लेने के लिए अब समय आ गया है। और ये समय इसलिए है क्योंकि 15 अगस्त इस बार आपको अपने ध्वज को उस ध्वज दंड में डालकर उठाना है जहां से हर व्यक्ति जो है वो केवल बौना नजर आने लगेगा और हिम्मत नहीं होगी कि शिव की इस धरती से किसी भी बेटी की तरफ आंख भी उठा सके। जो बेटियों के साथ हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाना काफी नहीं, अब अपनी जगह बताना भी, दिखाना भी और छीन के ले लेना भी आवश्यक है। सुपर शी यानी कि शक्ति सुपर शी। इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है भारतीय युवा कांग्रेस के द्वारा और इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी का। उत्तराखंड में आज इसकी शुरुआत हुई है और तिरंगे को फहराने का ये कार्यक्रम होगा इस बार 15 अगस्त को। हर बेटी, हर माता अपने घर पर तिरंगा फहराएगी और बताएगी कि क्या है शक्ति, हमारी शक्ति माँ भारती की। आइए मिलकर शक्ति सुपर शी में अपने हक और हिस्सेदारी को लेने की मुहिम की शुरुआत करते हैं भारतीय युवा कांग्रेस की इस मुहिम से जुड़कर।